ओके तो गाइस मेरा नाम शांतनु शुक्ला है और जैसे इंजीनियरिंग की बात हो रही थी तो हाँ भाई मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ, मैं परफॉर्म करने वाला हूँ सीरियसली और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एलिजिबल समझता हूँ एक आर्टिस्ट होने के लिए क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, म्यूजिशियन हूँ और थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो अपने आप को इसलिए क्योंकि मैंने 4 साल सिविल इंजीनियरिंग भी की है, 2 साल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी किया है, तो ऑल एंड ऑल बहुत तैयारी करके आया क्योंकि इस देश में ऐसा है ना कि कुछ करने न करने से पहले पहले इंजीनियरिंग कर लो उसके बाद प्लान बी, सक्सेसफुल प्लान बी। तो ओके तो वैसे तो मैं मेरा हाथ बहुत तंग है, कहते हैं कि इसमें हाथ से कविता में कुछ बहुत लिख लेता हूँ लेकिन हाथ से कविता में थोड़ा हाथ तंग होने के कारण बहुत से लोगों ने शैल चतुर्वेदी जी का नाम लिया तो उन्हीं की जो कविता है चल गई उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने और ये थोड़ा माइक मुझे बोलना नहीं लेना चाहता। ओके तो चल गई। नमस्कार, वैसे तो मैं एक शरीफ इंसान हूँ, आप ही की तरह श्रीमान हूँ, लेकिन अपनी आंख से बहुत परेशान हूँ। अपने आप चलती है, लोगों को लगता है चलाई गई है, जानबूझकर मनाई गई है। एक बार बचपन में, शायद सन 55 में, क्लास में एक लड़की बैठी थी पास में, नाम था उसका सुरेखा, उसने हमें देखा राख चल गई, वो हाय हाय करते बाहर निकल गई। उसके बाद हमें आज प्रिंसिपल ने बुलाया, लंबा चौड़ा लेक्चर बुलाया, हमने कहा जी हमसे भूल हो गई, उन्होंने कहा ऐसा भी होता है क्या भूल में, अरे शर्म नहीं आती ऐसी गंदी हरकतें करते हुए स्कूल में। फिर क्या था, जैसे हम अपनी कहानी बता पाते, अरे हकीकत बयां कर पाते कि फिर चल गई प्रिंसिपल को खल गई। इसके बाद हुआ परिणाम बमुश्किल तमाम मिला एक काम, इंटरव्यू में खड़े थे क्यों मैं, एक लड़की थी सामने, अभी अचानक पुनः उसकी नजर हम पर पड़ी और आंख चल गई उसको खल गई। दूसरे उम्मीदवार चौंके, उस लड़की का साइड लेकर हम पर भौंके। फिर क्या था, मार मार जूता चप्पल तोड़ दिया बक्कल, सर पर पांव रखकर हम भागे, लोग पीछे हम आगे, जैसे तैसे घर को आए, जान बची तो लाखों पाए। एक दिन सिकारे बाप जी हमारे कहने लगे हमसे, अब क्या कहें तुमसे, कुछ नहीं कर सकते तो शादी कर लो, अरे लड़की देख लो मैंने देख रखी है, हेल्थ की थोड़ी कच्ची है, बच्ची है लेकिन अच्छी है, जैसे भी है लड़की है, बड़े घर की है, फिर बेटा यहाँ भी तो कड़की है। हमने कहा जी अभी क्या जल्दी है, उन्होंने कहा गधे हो, 2.5 मन के हो गए हो फिर भी बाप के सीने पे लगे हो, अरे वो घर फंस गया तो संभल जाओगे, खोटे सिक्के हो मगर चल जाओगे। तब एक दिन धड़कते दिल से भगवान से मिल के पहुंच गए रुके, देखने लड़की शायद हमारी होने वाली सास बैठी थी हमारे पास, कहने लगी यात्रा में कोई तकलीफ तो नहीं हुई और आग हुई, चल गई वो मैं चल गई, कहने लगी लड़की तो अंदर है, मैं तो लड़की की माँ हूँ, कहा उसको बुलाओ, और इससे पहले कि मैं जमान हुआ चल गई दोबारा, उन्होंने किसी का नाम ना पुकारा, अचानक से खड़ी हो गई, हमारे बाप जी का सारा प्लान हो गए। फिर क्या था जैसे ही गए थे वापस चले आए, सिर नीचे मुंह लटकाए घर पहुंचे, बाप जी बोले अब क्या फायदा ऐसे मुंह लटकाने से, अरे आग लगी ऐसी जवानी में डूब मरो चूल्हू और पानी में, नहीं डूब सकते तो आंख खोल ले, नहीं तोड़ सकते उनसे नाता ही तोड़ लो, अरे जहां भी जाते हो पिट कर चले आते हो, भगवान जाने कैसे चलाते हो, अब आप ही बताइए क्या करूं, कहां जाऊं, कहां गुनगाऊं अपनी इस आग के, कंपक्त जूते चप्पल खिलाएगी 2-4 लाख के, इसलिए अब आप ही संभालिए, अब मेरा मतलब है आपको रास्ता निकालिए, जवान हो या वृद्धा, पूरी हो या अंधा, सिर्फ एक लड़की जिसकी एक आंख चलती हो पता लगाइए, और मिल जाए तुम्हारे डीआरपी वालों को बता दीजिए। धन्यवाद, मेरा नाम शांतनु शुक्ला, थैंक यू सो मच।